देख लीजिए हमारी केक, आप देख लीजिए वीडियो, आपको देखना जरूरी है कितनी बुरी तरीके से मारा है पुलिस वालों ने हम लोगों को। पुलिस पे इतना ज्यादा भरोसा था, हम उनकी प्रमाइसेस में काम करते हैं, हमको इतना ज्यादा पुलिस पे भरोसा था, आज वो भरोसा हमारा टूट गया सर। हमारी ये समस्या है कि जो कंपनी है हमारी विभिन्न, वो हमें सैलरी नहीं दे रही है, और मेन चीज है हमें जो सैलरी चाहिए उस सैलरी के अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही। हमें 17,000 सैलरी चाहिए, प्लस हमें ऑफर लेटर अभी तक नहीं मिला है, तो हमें ऑफर लेटर भी चाहिए। वो जो वहाँ पुलिस प्रशासन है वो कह रहा है कि जो है सब सैलरी बढ़ गई है, और सब जो आप कैंडिडेट्स लोग हैं, जो मतलब जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सब पता भी चल गया है, सब कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, लॉगिन भी कर लिया है। सैलरी जो हमारी बढ़ी है वो सिर्फ 200 रुपए बढ़ी है। हमारी जो सैलरी थी वो पहले 11,000 समथिंग थी, उसके बाद जो हमारी सैलरी कर दी गई है वो 12,101 रुपए कर दी गई है। तो मतलब 200 रुपए बढ़ाने का इनका मतलब है कि हमारी सैलरी बढ़ा दी गई है। अच्छा, और कितने साल बाद, कितने साल से हैं आप लोग वहाँ पे? हम लोग यहाँ 7 साल से, बहुत से सीईओ हैं जो 7 साल से, मैं 2 साल से हूँ, मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। जो 7 साल से हैं उनकी भी सैलरी 200 रुपए बढ़ी है? उन लोगों की सैलरी भी कम है, उन लोगों की सैलरी तो हमसे भी कम है, जो मतलब जो सबसे पहले से काम करे उन लोगों की 10-10 साल से स्टार्टिंग है, और जो बाद में आए उन लोगों की 11,000-12,000 ऐसे स्टार्टिंग। एक नई कंपनी हम लोगों को अभी 3-4 दिन पहले टेक ओवर किया था विविन, उससे सिर्फ इतनी डिमांड थी हम लोग, और वो कंपनी 8-9 महीने पहले आ चुकी थी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए ऑफिस में। उन कंपनी ने कभी हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया इतने दिनों में, हम लोग कोशिश किए बात करने की, हम लोगों ने बोला था कि दिवाली के पहले हमें ऑफर लेटर चाहिए, ऑफर लेटर दे दीजिए हमें, और हमारी कंपनी की पॉलिसीज क्या है, लीव्स क्या है, और हमारी सैलरी कितनी है, बस हमें ये चीज़ें बता दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए। जिसके लिए कंपनी ने सुनी नहीं हम लोगों की बात, हम लोग डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, कहीं से सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद हम लोग 24 घंटे धरना प्रदर्शन पे बैठे डायल 112 के बाहर, इसके बाद हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। हम लोग रात में अंधेरे में बैठे रहे, ठंड में परेशान होते रहे, हम लोग के लिए सारे गेट फीस बंद कर दिए गए, टॉयलेट बंद कर दिया गया, हम लोग खुले में शौच गए, उसमें भी फ्लैश लाइट जलाई जा रही थी। हम लोग सर 75 जिलों को सुविधा दे रहे हैं, हर एक सिटीजन के पास हम लोग हेल्प पहुंचा रहे हैं, हम लोग की हेल्प कौन करेगा आप बताइए, हम लोग किससे गुहार लगाएं अपनी? और जब हम लोग अपनी बात को लेकर के जब हमने कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, हम लोग रूल्स को फॉलो करते हुए, ना हम लोगों ने कोई रोड जाम किया, ना कोई चौराहा जाम किया, हम लोग एक लाइन में सारे लोग एक तरीके से जा रहे थे अपनी बात सीएम तक पहुंचाने के लिए, कि हम लोग अपनी बात सीएम सर तक पहुंचाएं जिससे हमारी सुनवाई हो सके और हमें मदद मिल सके। उस दौरान पुलिसकर्मियों ने हम लोगों को वहां रोक करके, वहां रस्सी से बांध करके हम लोगों को बहुत ज्यादा मारा है घसीटते हुए। हम लोग को जबरदस्ती बस में बिठा लगा और ला करके यहाँ छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज हुआ हम लोग के साथ, उसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जितने बदतमीजी से हमारी बहनों को मारा गया सर, ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए किस तरीके से मारा गया लड़कियों को, देख लीजिए हमारी केक, आप देख लीजिए वीडियो, आपको देखना जरूरी है कितनी बुरी तरीके से मारा है पुलिस वालों ने हम लोगों को। पुलिस पे इतना ज्यादा भरोसा था, हम उनकी प्रमाइसेस में काम करते हैं, हमको इतना ज्यादा पुलिस पे भरोसा था, आज वो भरोसा हमारा टूट गया सर। हम कभी पुलिस को ये नहीं समझते थे, जनता कहती थी कि पुलिस मारती है, पुलिस गाली देती है, पुलिस मिसबिहेव करते थे, हम लोग उनके फेवर में बात करते थे कि हमारी पुलिस ऐसी नहीं है, हमारी पुलिस मित्र छवि बना रही है, हमारी पुलिस हर जगह एक्टिव है, 24 घंटे आप लोग की सेवा में तत्पर है। लेकिन आज ये सब देखते हुए, इस तरीके की मारपीट देखते हुए, हमारा विश्वास बिल्कुल अटल हो गया कि पुलिस ऐसी ही है, और उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल कम हो चुकी है, हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के लड़कियां प्रेग्नेंट है, यहाँ पड़ी हुई है, बीमार है, कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ तक कि हम लोगों को पानी तक नहीं पीने गए, हम लोग कल से पानी तक नहीं पिए हैं अभी तक, यहाँ अगर हम लोग पानी पिए। प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं, कल से लगातार ये बेटियां जो डायल 112 में काम करती थी, ये अपने वेतन के अधिकार को लेकर के, वेतन की मांग को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी। और उसके बाद ये हुआ कि इनके ऊपर अभद्रता इनके साथ की गई, रात भर इनको टॉयलेट नहीं जाने दिया गया, लाइट काट दी गई, इनको बहुत परेशान किया गया, और सुबह इन पर बेरहमी से लाठीचार्ज करके इनको पीटा गया।
और पीटने के बाद इनको इको गार्डन लेके आए। हम लोग इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर इनका समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह भी उनकी इनसे बात हुई है और निश्चित तौर पर अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग इनके आंदोलन में निरंतर बने रहेंगे।